और अगर आपने आज तक कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूंगा उसके अंदर मेरे मार्क्स 500 से ऊपर आने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर सेटिंग नहीं होना है, उस क्वेश्चन को सीख करना है। काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस जो मैंने चीजें बोली है उनको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से नीट मॉक टेस्ट के अंदर जो मार्क्स है वो इंक्रीज कर सकती है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन उनके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के अंदर चले जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं क्योंकि उनके मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे तरीके जिनको अगर आपने अच्छी तरीके से यूज़ किया तो आप इजीली नीट मॉक टेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, नियरली 600 के ऊपर हर एक बच्चे के आ रहे होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअल टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि हमें क्यों मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट सिंपली हम देते हैं ताकि हम चेक कर सकते हैं हमने कितनी जो नॉलेज हमने गेन की उसमें से कितना हमने रिटेन किया। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं आपको तो लगता है कि मेरे को सब चीज़ याद रहती है लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपने कितनी चीज़ें रिटेन की, कहाँ पर आप गलती करते हैं और कौन सी चीज़ें आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। इससे आपको बेसिकली आपके वीक एरिया जो होते हैं वो पता लग जाते हैं और इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि हमें किस टाइप का मॉक टेस्ट देना चाहिए। हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के मॉक टेस्ट है, एक तो है चैप्टर वाइज, दूसरा है हाफ सिलेबस और तीसरा है फुल सिलेबस। सबसे पहले जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप उसको कंप्लीट करेंगे, उसे लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। इससे आपको उस चैप्टर के अंदर जितने भी एरियाज हैं उनके ऊपर आपका फोकस है वो बढ़ जाएगा, आपको उससे पता चलेगा कि आपके कौन से पोर्शन उस चैप्टर के रिलेटेड वीक है। फिर उसके बाद जब आपके दो तीन चैप्टर हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, फिर उसके बाद आप हाफ सिलेबस जो टेस्ट होता है वो आप देख सकते हैं और फिर जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने होंगे। बेसिकली अभी तो आपके पास 5 मंथ बचे हैं, जब लास्ट के 1-2 मंथ बचे होंगे तब आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में चलना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद हाफ सिलेबस और फिर उसके बाद है फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने होंगे। तीसरा पॉइंट, आपको पता होनी चाहिए कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसकी लेवल क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन डालते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से जब आप दे रहे होंगे टेस्ट सीरीज तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो आउट ऑफ एनसीईआरटी और आ रहे होंगे, तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे। या कोई ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कि बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दे रही है तो वो आप इजीली कर रहे हैं तो आप एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो वो भी नहीं करना है। आपको देखना है कि कौन सी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। बेसिकली आपके पास इतना टाइम नहीं है तो किसी भी जो अच्छे कोचिंग होते हैं जैसे कि एलन हो गया, आकाश हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, वो बेसिकली मॉडरेट टाइप के टेस्ट सीरीज बनाते हैं जो कि ना तो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं ना तो उतने ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो आपको उन्हीं को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल की टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही होगी और आपको उनको सॉल्व करना है। फोर्थ पॉइंट, आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। अभी तो अभी नियरली आपके पास 5 मंथ्स है तो आप इजीली 25 से 30 मॉक टेस्ट तो दे सकते हैं, जिसमें से 15-20 आपको हाफ सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं और 5-10 आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। ये तो मैंने आपको बताया, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको मिनिमम तो इतने देने होंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया है तो इससे भी ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैंने खुद लास्ट के 5 मंथ्स के अंदर नियरली 40-50 मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपको भी देने होंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा और उतने ही जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आपको डिफरेंट कोचिंग्स के मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी बना रहे होते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना रहे होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको मिनिमम किसी और कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। एक तो आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही है, लेकिन उसके अलावा किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको जरूरी से जरूरी ज्वाइन करनी है। और एक काम कीजिएगा, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे एलन हो गया, आकाश हो गया या फिजिक्स वाला हो गया, उनको वो आप ज्वाइन कीजिएगा
उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे होते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट देना होगा। इसको हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले बिफोर द मॉक टेस्ट, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट और आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट आपको क्या करना चाहिए। 3 पार्ट्स के अंदर हम उसको ब्रेक करते हैं। अब हम एक एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर गिविंग द मॉक टेस्ट। मेनली जो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे वो नियरली संडे को होता है, तो उससे पहले जो आपके पास टाइम है उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी मॉक टेस्ट के अंदर सिलेबस आ रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके लेक्चर्स आपको जरूर से जरूरी देखनी है। अगर आपने देख के रखे है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखे तो उसके वन शॉट वीडियोस देख के उसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। जो भी नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी, उसको आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है। अगर आपने करके रखे हैं तो फिर से एक बार कीजिएगा, अच्छी तरीके से करना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सब कुछ देख लिया, लास्ट 33 ईयर्स के आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको अच्छी तरीके से करनी है। फिर उसके बाद आपको फिर से रिवीजन करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे होंगे, तो उनको आपको फिर से पढ़ना है। उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 4 चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने से पहले करनी है और काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है। फिर हम बात करते हैं जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास ये माइंड के अंदर होना चाहिए कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बोलूँगा, सबसे पहले मैं बायोलॉजी करता था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, मेरे को ये आसान लगता था। आपको अपने हिसाब से करना है, जो सबसे पहले आपको ईजी सब्जेक्ट लगता है उसको पहले करना है और जो टफ है उसको बाद में करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप ईजी सब्जेक्ट को सबसे पहले करेंगे तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ट हो रहा होगा और आप ईजिली फिर हार्ड सब्जेक्ट है उसको भी आप ईजिली टैकल कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। आपको एक ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको बिल्कुल सोचना है कि मैं एक्चुअल नीट का टेस्ट दे रहा हूँ, और आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। तीसरा पॉइंट, आपको पेन पेपर फॉर्मेट के ऊपर ही देना है। चाहे आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी है, आपको पेन पेपर फॉर्मेट के ऊपर ही नीट का टेस्ट देना है। आपको सिंपली OMR शीट्स प्रिंट करवा के लानी है और उन्हीं के ऊपर पेपर देना है, क्योंकि अगर आप खाली ऑनलाइन टेस्ट देंगे वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। जब आप एक्चुअल नीट का पेपर दे रहे होंगे तो उसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा होगा और आप काफ़ी ज़्यादा लो स्कोर कर रही होंगी। तो इसलिए आपको एक्चुअल पेन पेपर फॉर्मेट के ऊपर ही मॉक टेस्ट देने होंगे। फोर्थ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है। अगर आप सबसे पहले बायोलॉजी करते हैं तो आपको मैक्सिमम 30-40 मिनट्स बस देने हैं बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर सेटिंग नहीं होना है, उस क्वेश्चन को स्किप करना है। जब आप सारी चीज़ें करेंगे फिर उसके बाद वापस आना है, उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस आपको सेम डे पे करनी है, ये नहीं कि आज आपने मॉक टेस्ट दिया तो 2-3 दिन बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं। आपको सेम डे पे एनालिसिस करनी है। एनालिसिस के अंदर आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। उसके अलावा आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें मैं भूल गया, कहाँ पे मैंने गलत किया सेटअप, क्यों किया गलत, क्या चीज़ें मैं भूल गया, कहाँ पे मैं फार्मूला भूल गया। ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस के अंदर अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आप खाली टेस्ट देते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे टेस्ट को दे रहे हैं तो मिनिमम 3-4 घंटे आपको एनालिसिस के अंदर देने ही देने होंगे। और फिर उसके बाद जब आपने अच्छी तरीके से एनालिसिस की, फिर उसके बाद जो आपने टॉपिक्स देखे कौन कौन सी चीज़ें मुझसे गलत हो गई, फिर उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर उसके अलावा उस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस उस टॉपिक के ऊपर आ रहा होगा और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्कोर कर रहे होंगे। तो गाइज़, जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करके जाऊँगा। सबसे पहले, अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जो मैंने चीज़ें बोली है उनको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा और आपको विद टाइम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। और अगर आपने आज तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूंगा उसके अंदर मेरे मार्क्स 500 से ऊपर आने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मॉक टेस्ट के अंदर जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली इंक्रीज होते हैं। मैंने नियरली 30-40 मॉक टेस्ट दिए हैं लास्ट के 4 मंथ्स के अंदर, और मेरे जो मार्क्स है वो लास्ट के मंथ के अंदर
आते आते फिर 600 ऊपर आ रहे थे। तब तक मेरे मार्क्स बस 500 और 550 के बीच में आ रहे थे। आपको बस अपनी तरफ से 100% देना है और बस पॉजिटिवली सोचना है। और अभी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप मेरे ऊपर बिलीव रखिएगा और जो मैंने चीज़ें आपको बोली है उनको आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और आपके मार्क जो है वो लास्ट तक आता है 600 ऊपर चले जाएंगे। तो गाइस अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।